डिफॉल्ट का खतरा टल चुका है। आर्मी चीफ की कारोबारी शख्सियत को याद दहानी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क के सरकर्दा 10 कारोबारी शख्सियत से मुलाकात की। इस मुलाकात में वजीर खजाना इसहाक डार भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने कारोबारी शख्सियत को यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान मुश्किल मुआशी हालात से कामयाबी से बाहर निकल आएगा। डिफॉल्ट का खतरा अब टल चुका है। इस मौके पर आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि अब मुल्क तरक्की करेगा और हम एक खुशहाल कौम बनकर उभरेंगे। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पूरी मुलाकात के दौरान पुरउम्मीद नजर आए और इस अज़्म का इजहार किया कि मौजूदा मुआशी मुश्किलात पर काबू पा लिया जाएगा। उन्होंने कारोबारी शख्सियत से कहा कि वो पुरअज़म और पुरएतमाद रहे। रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले कारोबारी अफराद को बताया कि कौमों पर मुश्किलात आती है और हमें मुश्किलात का सामना है, लेकिन बदतर हालात को हम पीछे छोड़ चुके हैं और हम कायम और दायम रहेंगे। इस मौके पर आर्मी चीफ और वजीर खजाना ने कारोबारी शख्सियत को ये भी बताया कि IMF की तमाम पेश की शराइत को पूरा कर दिया गया है और चंद रोज में ही मुआहदा हो जाएगा। ज़राए ने यह भी दावा किया है कि कारोबारी अफराद ने इस मुलाकात को इंतहाई कामयाब करार दे दिया है। HK न्यूज़ के साथ मैं हूँ हानी खान। मजीद खबरों और तबसरों के लिए